जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसा नंबर रियल नंबर है सिंपली। अगर आपको डिफाइन करना है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। क्योंकि अगर कोई भी नंबर एग्जिस्ट करता है तो या तो वो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। तो अगर दोनों को मिला देंगे तो रियल नंबर हो जाएगा। जो इस टॉपिक जो क्लास टेंथ का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें जो थ्योरम्स आते हैं, यूक्लिड डिविजन्स लेमा, ये यूक्लिड द्वारा दिया गया था। डिविजन्स लेमा ये क्या होता है, ये डिविजन्स पे डिपेंडेबल है। यूक्लिड डिविजन्स लेमा स्टेट दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स से ए एंड बी, मान लेते हैं कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है ए और बी, यहां पे ए को बी से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और आपको पता है इस सिंपल सा डिविजन्स अगर हम करते हैं तो क्या होगा। तो मेन टॉपिक्स पे आते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ओके। तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई नंबर है, मान लीजिए 7 डिवाइडेड बाय 3, 2 times 6 1, तो यहां पे जिससे हम डिवाइड दिए यानी 3, ये क्या हो गया डिवाइजर। जिसको हम डिवाइड दिए यानी 7, ये क्या हो गया डिविडेंड। और जितना टाइम में हम डिवाइड किए ये क्या हो गया कोशेंट। और जो बच गया वो क्या हो गया रिमाइंडर। क्लियर, ओके। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, मान लीजिए ए है, इसको बी से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे ए क्या हो गया जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो क्या हो गया डिविडेंड हुआ। क्लियर है। और जितना जिससे डिवाइड कर रहे हैं यानी बी से डिवाइड कर रहे हैं तो बी क्या हुआ डिवाइजर। क्लियर। और मान लो ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं, कितना टाइम्स में कर रहे हैं जो क्यू टाइम्स में, यानी क्यू क्या हो गया कोसेंट। जितना टाइम में डिवाइड किया वो क्या हो जाता है कोसेंट। सॉरी कोसेंट। तो यहां पे जब हम डिवाइड कर रहे थे 7 को 3 से 3 2 6 मल्टीप्लाई करके यहां लिखते हैं, तो उसी तरह ए को बी से डिवाइड करेंगे क्यू टाइम्स में, तो यहां क्या होगा बी क्यू। इसके बाद क्या करते हैं माइनस करते हैं, 1 आ गया, 7 - 6 = 1। उसी तरह यहां पे माइनस करेंगे, अगर माइनस करते हैं यहां पर 1 क्या है रिमाइंडर, तो यहां पे रिमाइंडर हम जो भी माइनस करने पे आएगा मान लेते हैं आर, तो आर क्या हो गया यहां पे रिमाइंडर। क्लियर। तो हमारे पास जो इक्वेशंस आया, देखेंगे ए में से अगर बी क्यू को माइनस करेंगे तो क्या बच रहा है आर, तो ए इज इक्वल टू अगर इधर माइनस है इधर प्लस आया तो बी क्यू प्लस में आ गया, आर तो है ही, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जो यही थ्योरम जो है यूक्लिड डिविजन्स लेमा है। क्लियर। करते हैं, हमें पता है ऑलरेडी कि जो इवन इंटीजर्स होता है जो ऑड इंटीजर्स होता है उसको हम कैसे पता लगाते हैं कि ये इवन है या ऑड है। सिंपल सी बात है, अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं अगर वो डिविजिबल हो जाता है तो इवन है, अगर डिविजिबल नहीं होता है तो ऑड है। सिंपल, क्लियर है।
तो कभी भी इक्वली डिवीजन लेमा को अगर हम यूज करते हैं तो मान लेते हैं कि दो नंबर है, एक इफ एक ए है और एक बी है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्योंकि एक नंबर तो दूसरे नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो ही यूक्लिड डिविजन लेमा होगा। क्यों? एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे, जितना टाइम में डिवाइड करेंगे कोशन जो डिवाइड करने के बाद आएगा रिमाइंडर। तो यहां पे दो चीजें लेते हैं पहले, लेट्स ए एंड बी, बी एन एनी पॉजिटिव इंटीजर, such that a is greater than b। जानने वाली बात क्या है कि अगर वो बड़ा रहेगा तभी डिवाइड होगा, यानी b से डिवाइड करना है a में, तो a तो सिंपल सी बात है, बड़ा है ना। तो अगर b को से सॉरी a को डिवाइड करते हैं कितना टाइम्स में आएगा, q टाइम्स में, b q यानी r। तो एक चीज और समझने वाली है कि जब भी r का जो वैल्यू होता है, जो r का वैल्यू होता है वो b से हमेशा छोटा रहेगा, लेकिन r या तो जीरो से बड़ा हो सकता है या जीरो के बराबर हो सकता है। तो यू कैन से डेट कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन b। ओके, देन हमें पता है इस इक्वेशंस में हमें यह पता है कि b जो है वो 2 होगा, क्योंकि हम 2 से ही डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो b का वैल्यू अगर 2 आप लेते हैं, इफ b इज इक्वल टू 2, अगर b 2 लेंगे तो जो हमारे पास इक्वेशंस बन रहा था यही एक था इक्वल डिविजन, तो यानी हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू 2q प्लस r आएगा। तो और हमें ये चीज ऑलरेडी पता है कि जो r का वैल्यू होगा वो b से छोटा होगा, तो b का वैल्यू 2 है तो r का वैल्यू क्या होगा, 2 से छोटा और 0 या 0 से बड़ा। तो r का वैल्यू हमारे पास या तो 1 होगा या फिर 0 होगा, 0 1 दोनों में से ही कोई हो सकता है, क्लियर है। ओके, तो यहां पे एक चीज प्रूव हो जाती है, अगर r का वैल्यू हम 0 रखते हैं तो a इक्वल टू क्या होगा, 2q, केस 1 ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर r का वैल्यू हम 1 रखते हैं, इफ r इक्वल टू 1 तो वैल्यू क्या होगा, 2q प्लस 1। ये दो कंडीशंस आ गई। तो और हमें पता है यानी इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो ये क्या है, इवेन है। अगर इसमें रिमाइंडर 1 बच रहा है तो ये क्या है, ऑड है। तो किसी भी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा, अगर इवन रहेगा तो 2q के फॉर्म में रहेगा, अगर ऑड रहेगा तो 2q प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा। इस क्लियर, चलिए शुरू करते हैं। सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m, ठीक है। कोई भी अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसका स्क्वायर जो है 4m प्लस 1 के फॉर्म में ही आएगा। एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। ऑड कौन है, छोटा लेते हैं 3, ऑड 3 है, पहला ऑड 3 लेते हैं, 1 तो छोटा हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 के बाद 3 आता है, 3 का स्क्वायर 9,
और 9 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4m+1। अगर 9 को डिवाइड करते हैं 4 से तो 8m1, ठीक है। ये m क्या है, कोशेंट है, तो यू कैन से 4 × 2+1, अगर 2 को m मान लेते हैं तो 4m+1, क्लियर है। दूसरा ले लेते हैं 5, यानी 25 स्क्वायर क्या होगा, 5 का 25 4 6 24 1 4 × 6+1, इसको अगर 6 को m मान लेते हैं तो 4m+1, m इज वेरिएबल बट पॉजिटिव। m क्या है यहां पे, कोसेंट है, क्योंकि हमें पता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए डिविडेंट b की जगह 4 है, q की जगह m है, r इज इक्वल टू रिमाइंडर। तो यहां पे यही चीज शो करना है कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4m फॉर सम इंटीजर m, m कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो चलिए इसी बात पे इसको सॉल्व करते हैं। तो सेम प्रोसेस इसमें शुरू करते हैं। लेट्स ए बी एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, देन ऑन डिवाइडेड बाय ए बाय बी। मान लेते हैं कि ए कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, चलिए शुरू करते हैं। लेट ए बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, देन ऑन डिवाइडेड ए बाय बी we have तो हमारे पास जो इक्वेशंस बनेगा वो क्या होगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, बी क्यू प्लस आर, बी यहाँ पे डिवाइजर है, क्यू कोसेंट है, आर रिमाइंडर है, तो हमको पता ही है कि a को b से डिवाइड कर रहे हैं। जो r का वैल्यू होगा वो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा, यही है यूक्लिड डिविजन्स लेमा, इसी का क्या नाम दिए हैं, यूक्लिड डिविजन्स लेमा। क्लियर, चलिए यहां से शुरू करते हैं। b का वैल्यू खुद से ले लेते हैं, मान लेते हैं कुछ भी, ठीक है, बोल रहा है कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर, ठीक है, तो b का वैल्यू छोटा लेंगे क्योंकि b का वैल्यू जितना ही हम छोटा लेते हैं, ठीक है, रिमाइंडर उतना ही कम आता है, हमारे पास कंडीशन उतना ही कम बनते हैं। लेकिन कभी कभी किसी किसी प्रॉब्लम्स में और बी का वैल्यू इतना भी छोटा न ले लो कि वो सेटिस्फाइड ही ना करे, ठीक है। तो यहां पे बी का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं बी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, चलो डाल देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू 2q+r, और r का वैल्यू क्या होगा, या तो 0 या तो 1, b इज इक्वल टू
क्या है, टू है ना। तो अब मेन क्वेश्चंस पे आते हैं। तो ए का दो वैल्यू बनेगा, ए इज इक्वल टू टू क्यू प्लस जीरो कंडीशन वन, अगर आर का वैल्यू हम जीरो रखते हैं तो, ठीक है, इफ आर इज इक्वल टू जीरो। दूसरी केस क्या बनेगी, ए इज इक्वल टू टू क्यू प्लस वन इफ आर इज इक्वल टू वन, दो कंडीशन, ए का दो वैल्यू आ गया। लेकिन हमें इसके स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है ना। तो सबसे बड़ी बात ये है, तो बोल क्या रहे कि सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स इसमें कौन है, ये तो इवन है, ये ऑड है, ठीक है, कौन ऑड है, टू क्यू प्लस वन, ए इज इक्वल टू टू क्यू प्लस वन इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर। हमें इसके स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है, तो स्क्वायर करके देखते हैं। नाउ ए स्क्वायर इक्वल टू टू क्यू प्लस वन होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, यानी कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आया हमारे पास, कंडीशंस आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू फोर क्यू स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर क्यू, इसको अगर अरेंजमेंट करते हैं तो हमारे पास आएगा फोर क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन, यहाँ से फोर कॉमन ले लो, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस वन, अगर इसकी वैल्यू अगर हम एम रखते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, फोर एम प्लस वन, वेयर एम इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, इसी फॉर्म में आ गया। तो हमें शो क्या करना था, तो शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ फोर एम प्लस वन, तो ये फोर एम प्लस वन के फॉर्म में आ गया। कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा फोर एम प्लस वन के फॉर्म में आएगा, क्लियर। So that the q of any positive integer is of the form 4m, 4m plus 1 and 4m plus 3 for some integer m. कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है अगर उसका क्यूब करते हैं तो वो 4m या 4m plus 1 या 4m plus 3 के ही फॉर्म में आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, शो करते हैं। Let's to be a is positive integer and divided by b. Let's to be a is positive integer and divided by b. Divided by b. Okay. तो हमें शो करना है 4m, 4m प्लस 1 एंड 4m प्लस b, सॉरी 4m, 4m प्लस 1 एंड 4m प्लस 3, ओके। तो यहाँ जो b का वैल्यू हम लेते हैं, खुद से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमेशा एक ऐसी वैल्यू लेंगे जो इक्वेशन को पूरी तरह से सेटिस्फाइड करे, ठीक है। तो हम यहाँ b इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं, ज़्यादातर हम ऐसे ही इक्वेशंस लेते हैं, ये आसान हो जाता है जो हमें शो करना होता है, ठीक है। तो अगर b इज इक्वल टू 4 लेते हैं तो हमारा जो यूक्लिड डिविजन्स लेमा है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 4 है, यानी 4q प्लस r, और r का जो वैल्यू है 0 से बड़ा होगा
ठीक है, लेकिन 4 से छोटा होगा, यानी बोल सकते हैं r इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3, 0 भी हो सकता है। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस बन रहे हैं, तो सारे कंडीशंस को सोल्व आउट करते हैं और देखते हैं कि कितना सारा इक्वेशंस बन रहा है। तो पहली कंडीशंस पे आते हैं, केस वन, ठीक है, इफ r इक्वल टू 0, इफ r इक्वल टू 0 तो a का वैल्यू क्या होगा, 4q + 0, यानी कि 4q, क्लियर है। हमें शो करना है, शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब, ठीक है। तो क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अगर करते हैं तो a क्यू इक्वल टू 4q, क्या आया, ठीक है। यू कैन से दैट 4 अगर कॉमन लेंगे 60q इन द फॉर्म ऑफ 4m, क्लियर है। देन नेक्स्ट केस पे आते हैं, केस 2, इफ r इक्वल टू 1 देन a इक्वल टू 4q + 1, ए क्यू इक्वल टू 4q + 1 का होल क्यूब, क्लियर है। जब होल क्यूब करते हैं तो 64³ + 1, या फिर अभी ही अरेंज कर लेते हैं 48³² + 12³ + 1। यहां से अगर 4 हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आएगा 16³, 12³² 3q और ये 1 बाहर है। तो इसका वैल्यू अगर m लेते हैं तो हमारा जो फॉर्म है ये क्या बन गया, 4m + 1। इसी तरह केस थर्ड देखते हैं, इफ r इक्वल टू 2 तो a का वैल्यू क्या होगा, 4q + 2, क्लियर है। जब 4q + 2 होगा तो aq इक्वल टू वापस वही करते हैं 4q + 2 का होल क्यू, ठीक है। तो aq इक्वल टू वापस आएगा वही, तो चलिए आते हैं 64q² + 48q + 8, क्लियर है। यहां पे अगर हम 4 कॉमन लेते हैं, सपोज दैट यहां पे हम क्या कॉमन लेते हैं, 4, अगर यहाँ पे हम 4 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट, 16q + 96 24q² 12q + 2। अगर ये सारा वैल्यू हम m लेते हैं तो aq का जो वैल्यू होगा वो 4m के फॉर्म में आ जाएगा, क्लियर है। एनी डाउट ऑफ एनीबडी, केस थर्ड, तो इफ r इक्वल टू 3 a इक्वल टू 4q + 3 तो aq इक्वल टू क्या होगा, 4q + 3 का होल क्यू, वापस आ गया। तो इसका वापस होल क्यू करते हैं हम, जैसे ही होल क्यू करेंगे 64q + 144q² + 108q + 27 aq = यहां से अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं बाय द वे, ठीक है, तो इन सब में तो 4 कॉमन हो गया, लेकिन इसको कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देते हैं थोड़ा सा, ट्वेंटी फोर प्लस थ्री
तो इसमें से तो कॉमन हो जाएगा 4 जो भी आया हो। अगर इन सब का वैल्यू हम m रख लेते हैं तो क्या फॉर्म आया, 4m+3। तो यही हमें शो करना था। बाय द वे aq का जो फॉर्म होगा या तो 4m होगा या 4m+1 होगा या 4m+3 होगा। 4m+2 तो कहीं आया नहीं, तो इसके अलावा और कोई फॉर्म हो ही नहीं सकता है। कभी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम क्यूब करते हैं तो या तो 4m होगा या 4m+1 होगा या 4m+3 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n n+4, n+8, n+12 एंड n+16 इज डिविजिबल बाई 5 वेयर द n इज पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं n+4, n+8, n+12 एंड n+16। इसमें से सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो 5 से डिविजिबल हो रहा है, और n जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है। तो चलिए वापस आते हैं, उसी तरह सॉल्व करते हैं। लेट्स टू बी n इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइडेड बाय 5। तो जो यूक्लिड डिविजन लेमा है उसके अकॉर्डिंग ए इक्वल टू क्या होता है, bq+r। तो यहां तो बी दिया है और ए की जगह यहां पे क्या दिया है, एन दिया है। तो यू कैन से दैट एन इक्वल टू 5q+r, और जहां डिवी आर का वैल्यू है वो क्या होगा, 5 से तो छोटा होगा, तो 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो जो हमारे पास एन की कंडीशंस बनेगी, n इक्वल टू अगर 0 रखते हैं तो 5q आएगा, अगर 1 रखेंगे तो 5q+1 आएगा, अगर 2 रखेंगे तो 5q+2 आएगा, 3 रखेंगे तो 5q+3 और 4 रखेंगे तो 5q+4। ये हमारे पास n आया, हमें दिखाना है कि इसमें सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो चलिए ठीक है, इसमें से जितनी भी कंडीशंस बनेगी सब में से एक जो नंबर होगा वो फिक्स है कि 5 से डिविजिबल होगा। तो चलिए पहले आते हैं n पे। अगर n की वैल्यू रखते हैं 5q+1, 5q+2, 5q+3 एंड 5q+4, ओनली 5q इज डिविजिबल बाय 5। क्लियर, एक ये आ गया। अब दूसरी कंडीशन आती है, केस 1 रख लीजिए इसको, केस 2। ठीक है, केस 2 की अगर बात करते हैं उसमें क्या है, n+4। तो n+4 रखेंगे तो हमारे पास कौन कौन से कंडीशंस बनेंगे, n का वैल्यू क्या है, 5q, तो 5q+4। ठीक है,
इनका वैल्यू क्या है, 5q+1, तो 4 अब +1 क्या हो जाएगा, 5q+5। इनका वैल्यू क्या है, 5q+2 यहाँ पे है, n+4, तो 2 अब +4 6। इनका वैल्यू 5+3 यहाँ पे है 4, तो हो गया 5q+7। ठीक है, इनका वैल्यू है 5q+4 तो यहां हो जाएगा 5q+8। तो हमारे पास ही ऐसी कंडीशंस आ गई, कोई डाउट? तो इसमें से कौन डिविजिबल हो रहा है, सिर्फ ये। तो 5q+5 कॉमन ले सकते हैं इसको, q+1 इज डिविजिबल बाय 3rd। जो n+8 है, n का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास फिक्स्ड है, तो हमारे पास कंडीशंस क्या क्या आ सकते हैं, 5q+8, 5q+9, ठीक है, 5q+10, 5q+11 और 5q+12। तो इसमें से भी सिर्फ ये जो है वो 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अगर इसको से हम 5 कॉमन ले लेंगे, सॉरी 5 कॉमन ले लीजिए, तो 5 कॉमन जैसे ही लेंगे ये q+2 हो गया, इज डिविजिबल बाय 5। केस 4, n+12। तो n+12 की अगर बात करते हैं तो कौन कौन सी कंडीशन आएगी, पहले तो 5q है इनका वैल्यू, तो 5q+12 हो गया, 5q+13, 5q+14, सिमिलरली चलते जाते हैं, 5q+15, 5q+16। तो इसमें सिर्फ ये 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, केस 5, n+16। तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा कि 5q+16, 5q+17, 5q+18, 5q+19, 5q+20। तो ये इसमें डिविजिबल है, 5 कॉमन लो, q+4 डिविजिबल बाई 5। तो जितने सारे कंडीशंस बने, इसमें सिर्फ एक ऐसा कंडीशन बना, हर केस के अंदर एक ऐसी कंडीशन बनी जो 5 से डिविजिबल हो रहा है। एक इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम, इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम जो है इक्विलेट डिवीजन लेमा ही है बोल सकते हैं, लेकिन जब इक्विलेट डिवीजन लेमा का जो थ्योरम है, ठीक है, उसको हम जब बार बार यूज करते हैं तो इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम उसको बोल सकते हैं। यू कैन से दैट कि इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम इज द टेक्निक
टू कंप्यूट द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ टू और मोर गिवेन पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका हम यूज HCF को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। अब सिंपल से बचपन में HCF तो पढ़ा होगा, तो वही चीज यहां भी है, लेकिन हम HCF में देखते हैं कि बार बार हमें डिवाइड करना पड़ता है जब तक वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो जाता। जहां पे वो पूरी तरह से डिवाइड हो गया और जिससे डिवाइड हुआ यानी जो उसका डिवाइजर है वही HCF कहलाता है। यानी इक्विलेट डिवीजन लेमा में सिर्फ एक बार डिवाइड कर रहे थे और वो हमें उस चीज को शो करना था। यहां पर बार बार डिवाइड करेंगे क्योंकि HCF है, तो हमें वो कॉमन फैक्टर चाहिए जो सब में हाईएस्ट हो, उसी तो HCF बोलते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। और जिससे डिवाइड देंगे वो तो छोटा होगा, जिसमें डिवाइड देंगे उससे। तो अकॉर्डिंग टू दिस द HCF ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी विथ ए इज ग्रेटर देन बी इज ऑप्टेन। सपोज मान लेते हैं इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस द HCF ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स एनी टू पॉजिटिव इंटीजर A and B with A is greater than B is obtained follow। तो मान लीजिए B को जैसे ही डिवाइड करते हैं, सॉरी A को जैसे ही डिवाइड करेंगे B से, तो A is equal to क्या होगा, BQ plus R। सिंपल सी बात है, अगर B को डिवाइड करते हैं Q टाइम्स बी क्यू, तो वही प्रोसेस आएगा A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और R का जो वैल्यू होगा वो B से तो छोटा होगा लेकिन जीरो से या तो बड़ा होगा या तो जीरो के बराबर होगा। लेकिन जब तक जीरो नहीं आता बार बार डिवाइड होगा, तो यू कैन से दैट्स द फर्स्ट स्टेप। इसको अगर स्टेप वन हम मान लेते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर का वैल्यू जीरो से बड़ा है बी से छोटा है, ठीक है। अगर स्टेप टू की अगर बात करते हैं, आर का जो वैल्यू है वो जीरो आ जाता है, इफ आर इज इक्वल टू जीरो, तो HCF क्या होगा, द HCF इज B, क्लियर है। लेकिन इफ R डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर R जीरो नहीं आता है तो वापस अप्लाई करेंगे इक्विलेट डिवीजन लेमा। अप्लाई इक्विलेट डिवीजन लेमा टू बी एंड आर, ओके। यानी हम क्या करते हैं, क्या है नेक्स्ट, समझिए आप। आर इज डिवाइजर एंड बी इज डेवी डेंट, ऐसा बोल सकते हैं। जो R है वो डिवाइजर का रोल करने लगता है, ठीक है, और जो B है वो डिविडेंड का रोल करने लगता है। अगर डिवाइड हो गया तो जिससे हम डिवाइड किए यानी जो डिवाइजर का रोल किया है वो तो HCF हो जाएगा। अगर नहीं डिवाइड हुआ तो ये प्रोसीजर आगे चलता रहेगा, टू बी कंटिन्यू, ठीक है।
चलिए आते हैं पॉइंट पे। यूक्लिड सॉरी यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 176 एंड 38220। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमें एचसीएफ फाइंड करना है 176 एंड 38220 का। तो सबसे पहले अपन ये डिसाइड करते हैं कि इसमें ग्रेटर कौन है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तो पता है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्लियर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर का जो वैल्यू होगा बी से छोटा होगा और जी से बड़ा, सॉरी जीरो से बड़ा या बराबर होगा, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो चलिए आते हैं, हमें पता है कि ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए इज इक्वल टू 38220 एंड बी इज इक्वल टू 176। तो डिवाइड कीजिए 176 से किस में, 38220 में, इजी है डिवाइड करना। तो सबसे पहले हम आते हैं 217 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा 3192। आप इसी से डिवाइड कीजिएगा, अपन थोड़ा जल्दी से डिवाइड कर लिए, ठीक है। तो हमारे पास 20 11 28, ठीक, हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो दो तीन चीजें। तो सबसे पहला स्टेप पे आते हैं, स्टेप वन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो दो तीन चीजें हैं, तो सबसे पहले डिवाइड किस में किए वो देख लेते हैं, ठीक है। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए क्या है यहाँ पर, 38220 इज इक्वल टू, बी क्या है 176, क्यू क्या है 217 और r क्या है 28। डिवाइड तो हुआ नहीं, पूरी तरह से रिमाइंडर बच गया। तो अपन क्या करते हैं कि स्टेप टू की तरफ चलते हैं, जब डिवाइड नहीं हुआ तो किधर चलेंगे, स्टेप टू की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है, ठीक है, अगर रिमाइंडर है तो वो b बन जाएगा और जो डिवाइजर है वो डिविडेंड, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि इन दिस केस r डज नॉट इक्वल टू जीरो, r इज 28, r जीरो नहीं है, r कितना है 28 है, ठीक है। एंड b इज इक्वल टू 176 एंड b इज इक्वल टू 176। तो इस कंडीशंस में क्या होता है, वापस हम डिवाइड करते हैं। यू कैन से दैट कि ऑन टेकिंग, हम ऑन टेकिंग क्या बोलेंगे, 176 एज द न्यू डिविडेंड, ओके, एंड 28 इज न्यू डिवाइजर, क्लियर है। तो चलिए हम पॉइंट पे आते हैं, डिवाइड करते हैं इसे 176 को कितना टाइम्स, 6 टाइम्स में, तो 168, ठीक है। तो 176 इज इक्वल टू, वापस यूक्लिड डिविजन लेमा यूज करेंगे, 176 इज इक्वल टू, क्योंकि ये डिविडेंट है, तो बी क्यू, बी कितना है आपके पास 28, क्यू कितना है 6 और आर इज ये, ठीक है, वापस यूज कर लिए, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्लियर है। अभी भी डिवाइड नहीं हुआ, स्टेप थर्ड पे आते हैं, अभी भी डिवाइड नहीं हुआ, r does not equal to 0, r is 8 and b is 28, ठीक है। वापस सेम प्रोसेस पे चलते हैं, यहां पे इज न्यू डिविडेंट,
ओके एंड एट इज न्यू डिवाइजर ठीक है। अब एट से डिवाइड करके देखते हैं वापस ठीक है बी ये आ गया हमारे पास। अब यहां पर भी देखिए आगे बढ़ लेते हैं स्टेप फोर इधर की तरफ देख लेते हैं थोड़ा स्टेप फोर यहां पर भी आर का वैल्यू जीरो नहीं होता है ठीक है। आर क्या हुआ आर इज इक्वल टू फोर और b इज इक्वल टू 28 ठीक है। तो फिनिश वापस लेंगे ऑन टेकिंग b इज इक्वल टू 8 ऑन टेकिंग 8 इज न्यू डिविडेंड एंड 4 इज न्यू डिवाइजर। सो फिंस वापस सॉल्व कीजिए 4 में 8 से टू टाइम्स 8 कट गया तो यहां पे जो आया 4 क्यू प्लस 0 तो यहां रिमाइंडर जो है वो जीरो आ गया लास्ट वन रिमाइंडर क्या हो गया जीरो। तो यू कैन से दैट दी हियर आर इज इक्वल टू जीरो एंड लास्ट डिवाइजर डिवाइजर क्या है यहां पे लास्ट वाला फोर है लास्ट डिवाइजर इज इक्वल टू फोर यानी यू कैन से दैट हिज एच सी एफ इज इक्वल टू फोर तो 176 और 38220 का जो HCF आया वो कितना आया 4 आया। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। आपने देखा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को जब हम बार बार प्रोसीजर्स में ला रहे हैं तो वो यूक्लिड डिवीजन एक्लोरेथियम हो गया कोई खास डिफरेंसेज नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इन दोनों में डिफरेंसेज क्या है तो डिफरेंस आपको समझ आ गई होगी आई होप दैट। HCF ऑफ 960 एंड 432 इजीली सॉल्व करते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन प्रोसेस वाइज कर रहे थे। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो कोई जरूरी नहीं कि स्टेप्स हमें लिखने हैं, आपको सॉल्व करना है विद हेल्प ऑफ द यूक्लिड डिवीजन एगोलोरिथियम। क्लियर है? तो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा अपन ट्राई करते हैं और सॉल्व करते चलते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। तो यहां पे ज्यादा हो सके तो एक स्टेटमेंट तो के तौर पे लिख देंगे ऑन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर 960 एंड 432 गेट। चलो शुरू कर दे तो क्या होगा अपने पास 960 इज इक्वल टू ये पहला डिविडेंट हो गया क्योंकि 960 इज ग्रेटर देन 432 ठीक है ए इज ग्रेटर देन बी
और अप्लाई कर लेंगे अपने पास a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। 960 इज इक्वल टू, अगर अपन डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, आप रफ में ट्राई कर लेंगे, कोई जरूरी नहीं है यहीं पर लिखेंगे, आप रफ में आराम से डिवाइड करके इसका प्रोसेस यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो जीरो तो है नहीं, तो इसलिए बोल देंगे रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू 96, और वापस चलते हैं उसी पे। तो हमारे पास डिविडेंड क्या हुआ 32, ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा 96 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 96 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्रोसीजर्स में क्या आएगा कि 96 से डिवाइड करेंगे 432 को 4 टाइम्स में, और रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 48। तो यहां पर भी रिमाइंडर जो है जीरो नहीं आया, आर इक्वल टू 48। अगर आर इक्वल टू 48 आ रहा है, वी गेट करेंगे वापस, तो यहाँ पे जो डिवाइजर है 96 था तो वो डिविडेंड वापस चेंज हो गया, तो 96, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 48 से, तो 48 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर बचेगा क्या जीरो। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया अपने पास आर इक्वल टू, यहां बोल सकते हैं हेयर आर इक्वल टू जीरो, अगर आर इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है, तो और लास्ट डिवाइजर क्या है हमारे पास, लास्ट डिवाइजर है जो हमने सॉल्व किया, लास्ट डिवाइजर इज किससे डिवाइड हो रहा है, 48 से डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स में 96, तो लास्ट डिवाइजर इज 48, हेंस यू कैन से दैट कि HCF ऑफ कितना कितना कहा जी 960 एंड 432 इज 48 इज सॉल्व, ठीक है। फाइंड द यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच व्हेन द डिवाइज 969 एंड द 2059 गिव्स द रिमाइंडर एंड 9 एंड 11 रिस्पेक्टिवली। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके हमें वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे 969 और 2059 को डिवाइड करने पे 9 और 11 रिमाइंडर बचे। अगर उस नंबर से 969 को डिवाइड करते हैं तो 9 रिमाइंडर बचता है, और उसी नंबर से 2059 को डिवाइड करते हैं तो 11 रिमाइंडर बचता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सी फिनोमिना है, ज़्यादा लेंथी है नहीं, ये बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस देख के ही डर जाते हैं, सो सिंपल वी टेक इजी ओनली, हो जाएगा, तो बहुत इजी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो हमारे पास दो नंबर गिवेन है, गिवेन द नंबर 969 एंड 2059 एंड रिमाइंडर एंड 9 एंड 11 रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास क्या गिवेन है चलिए देखते हैं, जो गिवेन है सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो गिवेन द नंबर 969 एंड 2059, ओके, एंड रिमाइंडर एंड रिमाइंडर 9 एंड 11 रिस्पेक्टिवली। ओके, यही है। तो न्यू नंबर जो हमारे पास आएगा, सबसे पहले जो जरा सोच के देखिए, अगर जो रिमाइंडर बच रहा है और वो रिमाइंडर हो ही नहीं, वो रिमाइंडर को अगर माइनस कर देते हैं तो क्या होगा, वो नंबर पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर मान लेते हैं किसी नंबर में 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर बच रहा हो, कोई नंबर है जिसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 रिमाइंडर बच रहा हो, लाइक 8, ओके, और रिमाइंडर को ही माइनस कर देते हैं तो 8 में 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा 6,
और जब रिमाइंडर रहेगा नहीं, रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा यानी वो नंबर पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसी तरह अगर 969 में से 9 को माइनस कर दे रहे हैं और 2059 में से 11 को माइनस कर दे रहे हैं, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा जो भी हो, ठीक है, ये जो नंबर है 960 एंड 2048 वो उसी नंबर से प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। तो एक नंबर से दोनों प्रॉपर डिवाइड हो जाए यानी वो क्या होगा, एक ऐसे तो बहुत सारे नंबर होंगे लेकिन हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है यानी कि कोई भी नंबर अपने लार्जेस्ट नंबर, सॉरी, कोई भी दो या दो से ज़्यादा नंबर एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है यानी वो उसका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि कोई भी नंबर अपने फैक्टर से फिक्स है, पूरी तरह से डिविजिबल होगा। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट का मतलब है हो गया यहाँ पे लार्जेस्ट, तो यानी उसका जो लार्जेस्ट फैक्टर होगा, सबसे बड़ा वाला फैक्टर, वही इसका आंसर होगा। एकदम सिंपल सी बात है। तो यानी दूसरी सी वर्ड में बोल सकते हैं कि 960 और 2048 का अगर हम बाय द वे HCF फाइंड आउट करते हैं विथ हेल्प ऑफ द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, टेक इट इजी। तो चलिए आते हैं पॉइंट पे। तो हम में सबसे पहले ये देखते हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो पता है 2048 इज ग्रेटर देन दिस, तो ये हमारा डिविडेंट हो गया, ठीक है। अब डिविडेंट हो गया तो 960 से 2048 तो डिवाइड करते हैं तो कितना टाइम में डिवाइड होगा, 2 times में डिवाइड होगा। अगर 2 times में डिवाइड होता है तो हमारे पास जो रिजल्ट बचता है यानी रिमाइंडर जो बचता है, सॉरी, वो 128 होता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं है, रिमाइंडर कितना है, 128, क्लियर है। तो 128 जब रिमाइंडर है और हमारे पास डिवाइजर 960 था, तो 960 क्या हो गया यहाँ पर, अब डिविडेंट हो गया और जो रिमाइंडर है वो क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। तो इससे डिवाइड करते हैं 960 में, जब 960 को इससे डिवाइड करेंगे तो 7 times में डिवाइड होगा और रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 64। ये 64 भी जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, तो वापस डिवाइड करेंगे 64 को किससे, 128 से, ठीक है। यही था डिवाइजर, 128, 64 2 जा 128, रिमाइंडर क्या बचा, जीरो। तो यहां पे रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। जब यहां पे रिमाइंडर जीरो आ गया तो लास्ट डिवाइजर कौन है, लास्ट डिवाइजर देख लेते हैं। लास्ट डिवाइजर है 64, क्लियर है। तो अगर बात करते हैं HCF ऑफ 2048 एंड 960, ठीक है, इज 64 राइट नाउ। तो एक बात और अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि 64 से जो भी HCF हो गया, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 64 से 2048 और 960 को डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो, क्योंकि HCF है। लेकिन यहाँ पे 2048 ना हो के 2059 होता तो 11 ज़्यादा हो रहा था, तो इसे डिवाइड करेंगे 2059 तो 11 रिमाइंडर बच जाएगा। और 960 को अगर डिवाइड करेंगे 64 से, ठीक है, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 960 ना हो के 969 रहता तो वो 9 इस तरह है, वो भी रिमाइंडर बच जाता। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच द डिविजिबल बाय 969 एंड 2059 गिवन द रिमाइंडर 987, ठीक है। तो बोल सकते हैं 64 इज लार्जेस्ट नंबर विच वेन डिवाइड
9669 and 2059 gives the remainder 9 and 11 respectively. Thank you. Two tanker contain 850 liter and 680 liter of petrol respectively. Find the maximum capacity of the container which can measure the petrol of either tanker in exact number of times. देखिए क्वेश्चन है कि दो टैंकर है 150 लीटर का और 680 लीटर का, ठीक है, दो पेट्रोल टैंकर है. टू टैंकर कंटेन 850 लीटर एंड 680 लीटर ऑफ पेट्रोल. दो टैंकर है जिसमें 150 लीटर पेट्रोल है और दूसरे टैंकर में 680 लीटर पेट्रोल है. फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर विच कैन द मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एजेट नंबर ऑफ टाइम्स. पूरा है कि ऐसा मेजरमेंट लेना है, इतना मेजरमेंट यूनिट लेना है कि दोनों टैंकर से जो भी पेट्रोल हम मेजर कर रहे हैं, जो भी पेट्रोल हम निकाल रहे हैं, तो वो एजेट आए. ऐसा ना हो कि किसी में ज़्यादा किसी में कम हो जाए. समझते हैं दूसरी वर्ड में इसको, कि मान ले कि किसी में अगर 20 टाइम्स में निकल रहा है और किसी में 80 टाइम्स में निकलना चाहिए, फिक्स हो एकदम बराबर. नंबर ऑफ टाइम्स चेंज हो जाए लेकिन वो जो मेजरमेंट यूनिट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो कंटेनर यूज कर रहे हैं जो मेजरमेंट के लिए, उसमें कम ज़्यादा ना हो. तो ऐसी कंडीशन तभी होती है जब कोई भी नंबर का हम कंटेनर लेंगे, किसी भी यूनिट का हम कंटेनर लेंगे, उस यूनिट से दोनों डिविजिबल हो, उस यूनिट से दोनों डिविजिबल हो. अब यहां पे दोनों डिविजिबल होने की जब बात कर रहे हैं, तो अगर 1 लीटर का लेते हैं, आप समझ लो इस बात, 1 लीटर का लेते हैं तो फिक्स है कि वो 850 टाइम्स में पूरा निकल जाएगा, ना कम ना ज़्यादा. ये 680 टाइम में भी निकल जाएगा, ना कम या ज़्यादा. लेकिन यहाँ पे ऐसी परिस्थिति में मैक्सिमम कैपेसिटी चाहिए. 2 भी ले सकते थे, उसमें भी निकल जाएगा, दोनों तरह से डिविजिबल है. यानी ऐसा फैक्टर लेना है, फैक्टर से तो वो डिविजिबल पूरी तरह से हो जाएगा ही, लेकिन ऐसा फैक्टर लेना है जो मैक्सिमम हो. मैक्सिमम फैक्टर लेना है और अपने फैक्टर से वो डिविजिबल होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सिंपल है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. दो दो कंटेनर है 850 और 680 लीटर का, तो उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकाल देंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो चलिए सॉल्व करते हैं. गिवन कैपेसिटी of two tanker are 850 liter and 680 liter. Clear? अगर यहां पे बात करते हैं कि तो 850 is greater than 680. Clear है? तो चलिए यूक्लिड डिविजन एक्लोरिथियम यूज करते हैं, यूक्लिड डिविजन लेमा यूज करते हैं. 1 टाइम्स में डिवाइड हो सकता है, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, 170, ठीक है. ये कहाँ से आया, एक ऐसे लिख भी सकते हैं यूक्लिड डिविजन लेमा से. ऐसे ब्रैकेट में ये चीजें लिख सकते हैं. तो यहां पे जो है 170
जीरो तो है नहीं, आर का वैल्यू 170 है, तो सेकेंड स्टेप यूज कर लेंगे और सेकेंड स्टेप यूज करेंगे तो 170 से ही ये पूरी तरह से डिविजिबल हो गया। रिमाइंडर क्या बच गया? जीरो। जब रिमाइंडर जीरो हो गया तो किसे डिवाइजर क्या है? लास्ट डिवाइजर हम देखते हैं, तो लास्ट डिवाइजर है क्या? लास्ट डिवाइजर है 170। कितना है? 170। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया इन दोनों का 170 आया, ठीक है। तो बोल सकते हैं 170 लीटर का अगर हम कंटेनर निकालते हैं इससे फाइव टाइम में और इससे फोर टाइम में, ना एक पॉइंट ज़्यादा ना एक पॉइंट कम, तो बोल सकते हैं द मैक्सिमम कैपेसिटी रिक्वायर्ड द कंटेनर इज 170। अगर स्टेटमेंट देना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द रिक्वायर्ड कंटेनर इज 170 लीटर। क्लियर? नो डाउट। चलिए आते हैं पॉइंट पे। एचसीएफ ऑफ थ्री नंबर ऑफ यूज इन एक्यूलेट डिविजन एक्यूलेथियम, ठीक है। यहां पे अभी तक जो भी डिस्कशन किए दो नंबर के बारे में ही किए हैं, तो अगर थ्री नंबर का एचसीएफ निकालना हो यूज ऑफ एक्यूलेट डिविजन एक्यूलेथियम, इसका उपयोग करते हैं तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर तो फिर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 180, 252 एंड 324 बाय यूजिंग Euclid divisions lemma, by using Euclid division lemma, clear? तो सबसे पहले इसको अरेंजमेंट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? अरेंजमेंट करते हैं। तो ये अरेंजमेंट करते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। सबसे पहले ये क्या देखते हैं, स्टेप वन की अगर बात करते हैं तो स्टेप वन में क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या लेते हैं, अरेंजमेंट द नंबर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, यानी कि सबसे बड़ा कौन है, 324, 252, लास्ट वन 180। देन सेकेंड वन यू कैन टेक टू नंबर्स जो आपकी मर्जी, ठीक है। सबसे पहले दो ही नंबर लेते हैं, तो सबसे पहला के बाद दूसरा स्टेप क्या करते हैं, एचसीएफ ऑफ टू नंबर, फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, ठीक है। कोई भी दो नंबर ले सकते हैं, एनी टू नंबर्स, ठीक है। मान लेते हैं ए एंड बी, ए बी सी है ना, तो ए एंड बी ले लिए, दो नंबर ले लिए, इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो दो नंबर कौन सा हुआ बाबू, 324 एंड 252। तो अगर यहां से और आगे बढ़ते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं, 324 इज इक्वल टू क्या होगा, 252 वन टाइम सीन जाएगा, यहाँ R का वैल्यू जीरो नहीं है, R इज इक्वल टू 72 है, इसलिए एचसीएफ नहीं होगा। तो 252 वापस लेते हैं और 52 इज थ्री टाइम्स में अगर यहाँ जाता है तो रिमाइंडर 36 बचा, तो R इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू जीरो, R इज इक्वल टू 36 यानी 72 है, तो यहाँ पे रिमाइंडर हो गया जीरो। रिमाइंडर क्या हो गया? जीरो, ठीक है। लास्ट डिवाइजर क्या है? लास्ट डिवाइजर है 36। एचसीएफ ऑफ 324 एंड 252 इज 36। तो ये जो एचसीएफ आया उसके साथ हम स्टेप थर्ड में जाते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, वापस
उसके साथ हम करते हैं कि फिर जो तीसरा वाला बच गया है उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर कौन कौन से नंबर लेंगे यहां पे, ठीक है, सी एंड एचसीएफ ऑफ ए बी। ऐसे बोल सकते हैं या यू कैन से दैट एचसीएफ ऑफ 36 इज डी, तो यू कैन से दैट सी एंड डी, ठीक है। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है तो इसका निकालते हैं। चलिए भाई, तो 186 इज इक्वल टू 186, ठीक है, 5 + 0, आर इज इक्वल टू 0, लार्ज डिवाइजर जो हुआ वही आ गया आपका एचसीएफ। ओह 36, तो एचसीएफ ऑफ 324, 252 and 180 is 36. क्लियर है? देखिए बात करते हैं एचसीएफ ऑफ थ्री नंबर्स बाय यूजिंग द यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम। यानी इससे पहले हम जो भी एचसीएफ सॉल्व किए वो टू नंबर्स का था और ये थ्री नंबर्स का है, तो डिफरेंसेस क्या है इसको देखते हैं। ओके तो हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 180, 252 एंड 324 बाय यूजिंग द यूक्लिड डिविजन लेमा। क्लियर है? तो ये भी बहुत सिंपल है कि क्या करते हैं कि स्टेप वन में देखते हैं कि वहां पे टू डिजिट टू नंबर्स था, यहाँ पे थ्री नंबर्स है। तो स्टेप वन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, अरेंजमेंट करते हैं। तो अरेंजमेंट वहां भी कर रहे थे, दो नंबर था तो दो नंबर का अरेंजमेंट कर रहे थे, यहाँ तीन नंबर है तो तीन नंबर का अरेंजमेंट करते हैं। तो चलिए 324, 252 एंड 180। तो स्टेप टू की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले दो सॉल्व करेंगे, कोई दो नंबर ले लेंगे, ठीक है, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले पिक करते हैं ए एंड बी। तो यहां पर अगर स्टेटमेंट देना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, ए एंड बी को पहले पिक कर लेते हैं। ये मान लीजिए सबसे पहले ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, चेकआउट किए, यू कैन से दैट, इस तरह से भी लिख सकते हैं 324 ग्रेटर देन 252 ग्रेटर देन 180। क्लियर है? तो पिक करने के बाद तो सबसे पहले दो डिजिट का हम सॉरी दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, ऑफ टू नंबर लाइक कौन सा दो नंबर ले, ए एंड बी, ए एंड बी। तो ए एंड बी की जगह है कौन सा, 324 एंड 252, तो ये दो नंबर से ले लिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, हमें पता है इक्वल डिविजन लेमा लगाएंगे, तो 352 यहां पे ये डिविडेंट हुआ, ये डिवाइजर हुआ, तो 252 वन टाइम्स में ही जाएगा, प्लस रिमाइंडर कितना बचा है यहां पे, तो माइनस कर लेंगे 72, ठीक है। आर इज डज नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी आर डज नॉट इक्वल टू जीरो, आर इज 72। तो यहां पे वापस जो डिवाइजर है वो डिविडेंट हो गया, जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर हो गया, यानी 252 इज इक्वल टू 72 इंटू, तो कितना टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, प्लस 36। तो हमारे पास रिमाइंडर जो आया वो कितना आया, 36 आया। तो यहाँ पे अभी भी डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर तो बच जा रहा है, रिमाइंडर कितना बचा, 36 बचा। चलो इधर लिख लेते हैं, नहीं आ रहा है फ्रेम में तो इधर देख लेते हैं। तो हमारे पास रिमाइंडर बचा आर डज नॉट इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो यहाँ पे
जो डिविडेंट है वो 72 है, 36 इंटू 2 प्लस 0, तो r का वैल्यू क्या हो गया 0, r इज इक्वल टू 0, तो एस सी एफ ऑफ 324 and 252 is 36. तो स्टेप थर्ड आते हैं इसके बाद, स्टेप थर्ड में क्या करते हैं कि जो हमारा एस सी एफ आया हुआ है 36 और जो नंबर बचा हुआ है यानी कि 180, इन दोनों का एस सी एफ वापस निकालते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो जो एस सी एफ हमारा आया इसको हम डी डिनोट कर देते हैं, तो यहां पे लिख सकते हैं कि फाइंड द एस सी एफ ऑफ टू नंबर सी एंड डी, सी एंड डी, ओके। तो हमें किसका एस सी एफ निकालना है, यानी कि 36 और सी की जगह क्या है 180, 180 इज ग्रेटर देन 36, ओके। तो 180 इज इक्वल टू 36 इंटू कितना टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स प्लस 0, तो r का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 0 आ गया। तो एस सी एफ ऑफ 180 एंड 36 इज 36, ठीक है। तो टोटल एस सी एफ कितना आया 36, कितना आया 36, क्लियर है। तो हमें पूछ रहा था इस सबका एस सी एफ क्या होगा, तो अगर एक स्टेटमेंट से जारी कर देंगे एस सी एफ ऑफ 180, 252, 324 इज 36, क्लियर है। ये थ्री डिजिट का हो गया एस सी एफ, सॉरी थ्री नंबर्स का हो गया एस सी एफ, एस सी एफ ऑफ थ्री नंबर्स बाई यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन सर्कुलर थ्योरम, क्लियर है। एनी प्रॉब्लम्स ऑफ एनीबडी, किसी को प्रॉब्लम है, आई थिंक होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी किसी को अगर प्रॉब्लम होगा तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, वापस मैं आपको डील कर दूंगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक और एग्जाम्पल्स लेते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। चलिए आते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर। देयर आर 156, 208 एंड 268 स्टूडेंट इन ग्रुप ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, बसेज आर टू बी हायर टू टेक देम फॉर ए फील्ड ट्रिप, सॉरी फील्ड ट्रिप, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बसेज टू बी हायर इफ द सेम नंबर ऑफ ए स्टूडेंट शुड बी अकोमेंडेड इन ईच बस राइट नाउ। तो चले समझते हैं क्वेश्चन को, पहले समझते हैं क्योंकि बिना क्वेश्चन समझे तो सॉल्व करेंगे नहीं अपन, तो क्वेश्चंस को समझते हैं इजी तरह से। देखिए एक स्टूडेंट का ग्रुप है, तीन ग्रुप है, जिसमें फर्स्ट ग्रुप ए में 156 स्टूडेंट है, बी में 208 स्टूडेंट है, सी में 260 है, ये तीनों ग्रुप में टोटल इतने सारे स्टूडेंट है। वो रहा मिनिमम कितने बस को हायर किया जाए कि सारे बस में इक्वल स्टूडेंट, बस सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठे, किसी में ना एक कम ना किसी में एक ज़्यादा। तो ये तभी पॉसिबल है जब तीनों का फैक्टर सेम हो, यानी एच सी एफ। तो एच सी एफ निकालने तो आपको आता है, आप इजीली एच सी एफ निकाले, जो एच सी एफ आएगा यानी उतना ही स्टूडेंट एक बस में बैठेंगे। अब वहां से हम डिसाइड कर लेंगे कि कितने बस हमें चाहिए, सही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले क्या कर देंगे, पहले देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, तो अरेंजमेंट किए, ओके। अरेंजमेंट करने के बाद स्टेप वन पे आ जाते हैं, सबसे पहले दो नंबर लेंगे, ठीक है, एच सी एफ ऑफ 260 एंड 208, इन दोनों का एस सी एफ फाइंड करेंगे। इन दोनों का एस सी एफ अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो 260
ठीक है, वन टाइम 52 आएगा अपन, तो यहां पे ये आ गया, r does not equal to 0, r is equal to 52, तो यहां से अपन सॉल्व करते हैं 208 is equal to 52 है, कितना टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में 1 + 0, या क्लियर है। रिमाइंडर यहाँ पे आपके पास 0 है, यानी HCF जो हो गया, लास्ट डिविजन्स क्या है, लास्ट डिविजन्स कौन सा है, सॉरी लास्ट डिवाइजर कौन सा है, लास्ट डिवाइजर है 52, तो HCF क्या होगा, HCF ऑफ 260 एंड 208 इज 52। अब आगे बढ़ते हैं, HCF ऑफ 52 एंड 156, तो 156 अगर अपन फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ से देखते हैं कि क्या आता है, 52 इंटू 3, ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, 0 आ गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, तो HCF क्या हैगा, 52 इज HCF ऑफ 52 एंड 156, तो 52 जो है वो सबका HCF आ गया, बोलिए ऐसे भी लिख सकते हैं, 52 इज HCF ऑफ 206, 208 एंड 156, इस सबका HCF ये आ गया, क्लियर है, कोई डाउट, तो यानी देखिए HCF 52 आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो स्टूडेंट है एक बस में, ईच बस 52 स्टूडेंट होंगे, तो टोटल कितने बस हायर करने पड़ सकते हैं, तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, और वहां से इसको टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट आप काउंट कर लीजिए कितने हैं, टोटल आपके पास स्टूडेंट हैं 4, 2, 624, ठीक है, अब कितने नंबर ऑफ बसेस चाहिए, एक बस में 52 स्टूडेंट, तो डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 1, 2, यानी कि टोटल बस नंबर ऑफ बस कितना आ गया, 12, तो हमें नंबर ऑफ बस फाइंड करना था, ठीक है, 12, समझ में आई बात है, नंबर ऑफ बसेस यानी 12 टोटल सॉल्व आउट, तो इस तरह की भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये प्रॉब्लम्स ज़्यादातर व्हाट प्रॉब्लम्स के आते हैं, और मैक्सिमम बच्चों को इन्हीं प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम्स आता है, ओके, बातें समझ में आ रही है, चलिए, थैंक यू।